Hello everyone, in this chapter we'll be discussing the second part of chapter 6 history, which is Bhakti Sufi traditions. So the topic which we have to start with is religious ferment in North India. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी भक्ति ट्रेडिशंस विच वर एमर्जिंग इन इंडिया, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी ट्रेडिशंस विच वर एमर्जिंग इन नॉर्थ इंडिया एट दी सेम टाइम विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन सूफीज्म, दैट इज़ द सूफी ट्रेडिशन. तो 12th एंड 13th सेंचुरी से पहले इन नॉर्थ इंडिया देर वर सेवरल राजपूत स्टेट्स विच वर एग्जिस्टिंग. तो काफ़ी सारी राजपूत स्टेट्स एमर्ज हो चुकी थी इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड अ पोजिशन ऑफ इम्पॉर्टेंस. तो जो डोमिनेंट कास्ट थी दैट वॉज ऑफ द ब्राह्मण्स एंड देर वॉज नो वन टू चैलेंज देयर अथॉरिटी एटलीस्ट डायरेक्टली. तो ऑल्दो थोड़े ट्रेडिशंस एमर्ज हो रहे थे इन ऑपोजिशन टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, बट स्टिल कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं थी या कोई डायरेक्ट ऑपोजिशन नहीं थी टू देयर डोमिनेंस. सो कुछ रिलीजियस लीडर्स एमर्ज होने लगे. दीज लीडर्स वर आउटसाइड द ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल नाथ, जोगीज एट्सेट्रा, एंड दीज लीडर्स अपोज्ड द अथॉरिटी ऑफ वेद और द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स. बट स्टिल ये जो लीडर्स थे इनको स्टेट सपोर्ट नहीं मिलता था एंड द स्टेट कंटिन्यूड टू सपोर्ट दी ब्राह्मण्स. अब 13th सेंचुरी में वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस विच वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनेट. तो जो दिल्ली सल्तनेट के रूलर्स थे दोज वर ऑफ टर्किक एंड पाश्तन ओरिजिन, एंड जो पहला रूलर था ऑफ द दिल्ली सल्तनेट दैट वॉज कुतुबद्दीन ऐबक. तो दिल्ली सल्तनेट रूल्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, पर्टिकुलरली फ्रॉम 1206 टू 1526. इट कंप्राइज्ड ऑफ फाइव डिफरेंट डायनेस्टीज. द फर्स्ट वॉज द ममलूक और द स्लेव डायनेस्टी, जिनके पहले रूलर थे कुतुबद्दीन ऐबक. देन वॉज द खिलजी डायनेस्टी. द थर्ड वॉज तुगलक डायनेस्टी. द फोर्थ वॉज सैयद डायनेस्टी एंड द फिफ्थ वन वॉज द लोधी डायनेस्टी. तो जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे दैट इज़ इब्राहिम लोधी, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526 एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो दिल्ली सल्तनेट के बाद द मुगल एम्पायर केम इन टू एग्जिस्टेंस. तो अब बिकॉज ऑफ दीज रूलर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें देर वर न्यूमरस चेंजेस. पॉलिटिकल फ्रंट पे तो था ही, देर वर चेंजेस इन द कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स एज वेल, एंड यही हमारे चैप्टर का मेन फोकस है. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हेयर इज दैट कुतुब मीनार इज नेम्ड आफ्टर कुतुबद्दीन ऐबक बिकॉज कुतुबद्दीन ऐबक ने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी. ऑल्दो इन्होंने सिर्फ बेसमेंट ही बनवाया था एंड बाद में जो उसके स्टोरीज बनाए गए देवर कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश एज वेल एज मोहम्मद बिन तुगलक, बट कुतुब मीनार वॉज बिल्ड टू काइंड ऑफ मार्क द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, दैट इज़ द डिफीट ऑफ द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, दैट इज़ द इस्लामिक ट्रेडिशंस. तो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स तो बहुत पहले से था, दैट इज़ फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. बिकॉज जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था हमने देखा दैट देयर आर एविडेंसेस विच सजेस्ट कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थी वो उस टाइम पे भी होती थी. सच कॉन्टैक्ट ब्रॉट वेरिड इन्फ्लुएंसेस. अब 7th सेंचुरी में देयर वॉज एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो हम देखेंगे दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट दिल्ली सल्तनेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी, द मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 16th सेंचुरी. तो जो इस टाइम पे डोमिनेंट रूलर्स थे उनका रिलीजन था इस्लाम. अब जो रूलर्स हैं दे वुड रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर ओन रिलीजन. So these Muslim rulers, they were guided by the ulema. Ulema are the scholars who are trained in Islam and Islamic studies. तो जो ulema का literal meaning है that is those who possess knowledge. Knowledge means ilm. तो जो ulema है वो rule करते हैं according to Sharia, which is the Islamic law. Sharia is based on Quran and Hadith, which is the traditions of Prophet Muhammad. तो जो ulema हैं they are also interpreters of Islamic law, that is Sharia, and they ensure that people follow these principles of Sharia.
अब जो मुस्लिम रूलर्स थे वो अपने फेथ के अकॉर्डिंग रूल करते थे विद रिस्पेक्ट टू पीपल ओवर नॉन मुस्लिम्स लाइक द हिंदूज ज्यूज क्रिश्चियंस एट्सेट्रा उनके रिलेशन में अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जिम्मी एमर्ज्ड तो जिम्मी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जिम्मा विच मीन्स प्रोटेक्शन तो अब इसमें होता क्या था द पीपल हु बिलोंग्ड टू दीज अदर रिलीजन्स दे हैड टू पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया जिसके बदले द मुस्लिम रूलर्स यूज टू प्रोटेक्ट देम तो ये लोग ये टैक्स पे करते थे एंड दे यूज टू गेट अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम रूलर्स अब कई बार देखा गया है कि ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं दे हैड अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स दैट इज़ इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो रिलीजियस टॉलरेंस पे बेस्ड होती थी फॉर एग्जाम्पल कई बार ये रूलर्स लैंड ग्रांट्स देते थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ दीज अदर रिलीजन्स एंड दे यूज टू रिस्पेक्ट द नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एज वेल फॉर इंस्टेंस एम्परर अकबर ने तो एक एंटायरली डिफरेंट रिलीजन बना दिया था कॉल्ड दिन ए इलाही जिसके बारे में वील स्टडी और वेन वील स्टडी द फर्दर चैप्टर्स तो इस रिलीजन में देर वर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स विच वर इन्वॉल्वड Let's move on to the next subtopic, which is the popular practice of Islam. So the religion of Islam was not confined to the ruling elite. People from different social backgrounds adopted Islam. Now there are five pillars or five principles of Islam. So jo bhi Islam ko adopt karega, he or she has to follow these five principles. So the first principle and the most fundamental belief in Islam is the testimony or profession of faith. तो अब ये प्रिंसिपल कहता है दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर सो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द वननेस ऑफ गॉड दैट इज़ अ मोनोथीस्टिक कंसेप्ट और अ मोनोथीस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड द एक्सेप्टेंस दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड Then the second principle is namaz, that is offering prayer five times a day. Ab ye jo prayer hai, this need not be in the mosque only, but one thing important is that this has to be in the direction of Makkah. Third principle or the third pillar is the giving of alms, because they believe in sharing the wealth with the needy or the less fortunate. Then fourth principle hai fasting during the month of Ramzan, which is basically the ninth month according to the Islamic calendar. And the last principle is performing pilgrimage to Makkah, which is Hajj. This is to be done at least once in the lifetime and is usually done in the 12th month of the Islamic calendar. Ab within Islam, we have two different categories, which is of Shia Muslims and Sunni Muslims. And iske baad bhi there are a number of sects and subsects. अब ये जो सेक्ट्स हैं इनकी अपनी लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं शिया के केस में वी हैव दी इमामियाज इस्माइलियाज जैदियाज एंड सुन्नी के केस में वी हैव दी हनाफी मलिकी शफी एंड हनबली अब नीड नॉट गो इनटू दीज डिटेल्स ये इसलिए मेंशन किया है बिकॉज बुक टॉक्स अबाउट वन पर्टिकुलर सबसेक्ट विच इज़ खोजास विच इज़ द सबसेक्ट ऑफ द इस्माइलियाज नाउ देयर वाज ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल फेथ विद लोकल traditions that is from place to place there were certain changes in the practice of islam to jo basic ya core philosophy hai of the religion that remained the same however there were local traditions which were accepted as well for example in the case of muslims who settled in particularly kerala they adopted certain local customs like that of matrilineal that is tracing descent from the mother and of matrilocal residence which means that the woman after marriage remains or stays in her parental home or natal home only. Then jo architecture dekha gaya is time pe, that had the features of both Indian as well as Islamic architecture. So there was an integration of the Indian and the Islamic style. Then a perfect example of this blend of universal faith with local traditions is the architecture of mosque. To ab kuch features jo hain those are universal in the construction of mosque for example jo uski orientation hogi that would be towards makkah is a place in saudi arabia then jo placement hai of mihrab and minbar that also remains the same mihrab is the prayer niche that is jahan ko prayer offer kari jati hai and minbar which is the pulpit that is wo jagah jahan se jo imam hai the jo priest hai wo logon ko namaz padhwate hain
So these are examples of the universal feature. However, with changes in the place and locations, there are variations as well. ये जो variations होती हैं, these are according to the local traditions and local practices. For example, there are differences in the style of roof, in the building materials which are used, etc. A one thing important is that ये जो terms हैं like Muslim, Musliman, these were not used initially. लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था फ्रॉम द प्लेस दे केम फ्रॉम और फ्रॉम द रीजन दे केम फ्रॉम. फॉर एग्जांपल जो तुरुष्का टर्म थी दैट वाज यूज्ड फॉर पीपल हु केम फ्रॉम टर्की दैट इज़ द टर्किश रूलर्स. तजिका वाज फॉर पीपल हु केम फ्रॉम तजिकिस्तान एंड सो ऑन. और टर्म हिंदू के केस में भी हमने देखा है दैट द टर्म वॉज नॉट लिमिटेड टू अ रिलीजियस कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर रिलीजन बट वॉज यूज टू रेफर टू पीपल हु लिव्ड बियॉन्ड द सिंधु रिवर. तो ये जो टर्म्स हैं लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स दीज केम टू बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिलीजन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इन लोगों के लिए जो टर्म यूज़ की जाती थी बाय द पीपल लिविंग इन द सबकॉन्टिनेंट वाज मलेच. मलेच के बारे में वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 3 एज वेल. सो मलेच वॉज अ टर्म विच वॉज यूज टू रेफर टू पीपल हु डिड नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी और हु डिड नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज. ऑल्दो ये जो टर्म है इट हैड अ डेरोगेटरी कॉनोटेशन, हाउएवर इसकी कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं थी. अब द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ द ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म और तजव्वुफ एज इस्लामिक टेक्स्ट कॉल इट. तो इन द 11th एंड 12th सेंचुरी देर वॉज दिस ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस. नाउ दे प्रैक्टिस्ड एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म. एसेटिसिज्म का मतलब है दैट यू प्रैक्टिस सिवेयर सेल्फ डिसिप्लिन दैट इज़ यू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटीरियल कम्फर्ट्स. एक सन्यासी की तरह या एक वैरागी की तरह जीवन जीना. मिस्टिसिज्म इज़ द बिलीफ दैट द यूनियन विद गॉड और द एब्सोल्यूट कैन बी अचीव्ड बाय डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन. तो अब ये जो सूफीज थे दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमैटिक आइडियाज और द डॉगमैटिक वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग कुरान एंड सुन्ना. सुन्ना इज द एक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट. एंड डॉगमैटिक का मतलब है दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑपोजिशन. मतलब अगर रूल्स गलत भी होंगे तो भी उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए. सो सूफीज वर अगेंस्ट दिस आइडिया. सो दे लेड एम्फेसिस ऑन सेल्वेशन और मोक्ष through intense devotion to God and love for God by following the command of God. तो उन्होंने कुरान को interpret किया based on their own personal experiences and did not follow the dogmatic or rigid Islamic ideas. अब सूफीज़ ने अपने आप को organize करना शुरू किया in communities around hospice और खानकाह. Hospice का मतलब होता है lodging फॉर ट्रैवलर्स दैट इज़ ट्रैवलर्स के लिए रहने के जो ठिकाने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल धर्मशालास. जो इन कम्युनिटीज़ का हेड होता था उसे शेख कहा जाता था या पीर कहा जाता था. नाउ दिस पीर और शेख यूज टू एनरोल द डिसाइपल्स एंड यूज टू अपॉइंट अ सक्सेसर नोन एज खलीफा. एंड द शेख ऑल्सो यूज टू प्रिस्क्राइब द रूल्स ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड विद इन दीज कम्युनिटीज. So in the 12th century, Sufi silsilas came into existence in different parts of the world. So now the term silsila means chain. So this symbolizes that there is a spiritual connection between Prophet Muhammad, the Sheikh and the disciples. So because of this channel, the blessings of Allah and Prophet Muhammad, who is considered as the messenger of Allah, they are transmitted to the devotees through these Sheikh. अब आफ्टर द डेथ ऑफ दीज शेख्स उनकी जो टूम्ब श्राइन होती थी दैट इज़ दरगाह दैट बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स. तो कॉन्सिक्वेंटली जो फॉलोअर्स थे दे यूज टू प्रैक्टिस पिलग्रिमेज और जियारत पर्टिकुलरली ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द शेख और उर्ज विच इज़ मैरिज. मैरिज इसलिए बिकॉज द डेथ ऑफ द शेख सिम्बलाइज हिज यूनियन विद अल्लाह. तो बिकॉज आफ्टर डेथ जो शेख है ही इज़ बिलीव्ड टू बी यूनाइटेड विद गॉड. तो दिस प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज एमर्ज्ड सो दैट पीपल कुड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बाय विजिटिंग दीज टोम्ब श्राइन्स. अब सूफीज में ही देर वर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु गेव अ रेडिकल इंटरप्रिटेशन टू सूफी आइडियाज़ दैट इज़ वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म परफॉर्म करते थे एंड दे वर टोटली अगेंस्ट द आइडियाज़ और द प्रिंसिपल्स विच वर लेड डाउन इन द शरिया. These people were known by different names, for example, Kalandars, Malangs, etc.
एंड इन लोगों को रेफ़र किया जाता था एज़ बे शरिया, विच मीन्स दैट दे डिड नॉट कम्प्लाई विद शरिया, एज़ अपोज टू बा शरिया, विच इज़ अ टर्म फॉर पीपल हु कम्प्लाइड विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन शरिया. So this is all for this video. In the next video, we'll be starting with one important group of Sufis called the Chishtis. And then we'll cover the last two topics of the chapter. Thank you so much for watching.